दिल्ली में केजरीवाल सरकार की घर घर राशन योजना को केंद्र सरकार ने रोका। केजरीवाल का आरोप, दिल्ली के राशन माफिया के साथ खड़ी है केंद्र सरकार। कहा, केंद्र को अगर लेना है क्रेडिट तो वो बांट दे घर घर राशन, मुझे जनता की भलाई से मतलब। सीएम केजरीवाल ने कोरोना में राशन की दुकानों को बताया सुपर स्प्रेडर। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल, जब हाईकोर्ट ने घर घर राशन योजना पर स्टे से इनकार किया तो आपने क्यों लगाया रोक। संबित पात्रा ने केजरीवाल पर किया पलटवार, घर घर राशन योजना के नाम पर दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें केंद्र से सहयोग से मिल रहा है अनाज। 2022 विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मोर्चा प्रमुख से मिले, कल महासचिवों से मिले। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने राधा मोहन की राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात को बताया शिष्टाचार। बंगाल के राज्यपाल पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का हमला, अपने स्टाफ में कई रिश्तेदारों को भर्ती करने का लगाया आरोप। काबू में कोरोना के चलते कल से बड़े पैमाने पर अनलॉक, दिल्ली में खुल जाएंगे मॉल और दुकानें, मेट्रो को हरी झंडी, शर्तों के साथ अनलॉक के साथ पहला चरण, यूपी में 4 जिलों को छोड़कर सब जगह होगी छूट। दिल्ली के सरकारी अस्पताल जीबी पंत में मलयालम पर बैन वाला आदेश वापस लिया गया, नर्सिंग स्टाफ को सिर्फ अंग्रेजी हिंदी बोलने का मिला था आदेश, राहुल गांधी ने किया था विरोध। हमारे देश में कोरोना सुस्त, 24 घंटों में 114,000 मामले, 60 दिनों में ये सबसे कम केस। दिलीप कुमार की सेहत बिगड़ी, मुंबई के अस्पताल में भर्ती, सांस लेने में तकलीफ है।